दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे अचूक और रामबाण उपाय आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपके घर की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, जन्माष्टमी के दिन दो मूर्तियां एक साथ घर में इस जगह पर लगा देने से बनेगा राजयोग। दोस्तों देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आप जन्माष्टमी के दिन इन उपायों को करके, इन नियमों को करके क्या इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये मौका एक साल बाद आपको मिल रहा है, तो आप इस मौके को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों देखिए, घर बहुत बड़ा हो या फिर छोटा सा फ्लैट, हर घर में भगवान की पूजा के लिए अलग से मंदिर की व्यवस्था जरूर होती है। जिस घर में रोजाना भगवान की पूजा आराधना होती है, वहाँ पर सुख शांति के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास भी होता है और शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। घर में अगर मंदिर के लिए अलग से स्थान हो तो इससे आर्थिक समृद्धि भी बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल भी बना रहता है। घर में मंदिर या फिर पूजा का स्थान बनाते वक्त कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जीवन पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों हम सभी के घर में पूजा स्थान होता ही है, वहां पर हम भगवान की प्रतिमा या फिर मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवता हैं, इनमें से कौन से भगवान की पूजा करने के लिए मूर्ति घर में रखनी चाहिए, इसके बारे में सभी को जानकारी नहीं होती है। काफी लोगों का सवाल होता है कि घर में कौन कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए। दोस्तों देखिए, आगे जानने से पहले आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज पूरी कर दें। दोस्तों देखिए, अक्सर लोग अपने घरों में भगवान की मूर्ति बिना नियम जाने ही कहीं पर भी स्थापित कर देते हैं, लेकिन बता दें कि भगवान की मूर्ति रखने के भी कुछ नियम होते हैं। नियम के अनुसार ही भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, तभी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर में भगवान की मूर्ति रखने के कुछ नियम हमने पूज्य गुरु जी के अनुसार आपको बताए। आप नियम अनुसार ही घर में या फिर घर के मंदिर में भगवान की स्थापना करें। दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान की बहुत सारी मूर्तियां एक साथ कभी नहीं रखनी चाहिए, तथा भगवान की बहुत सारी मूर्तियां भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के हिसाब से यह अशुभ माना जाता है। भगवान की मूर्ति के नीचे लाल रंग का कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। अगर भगवान की मूर्ति घर में उत्तर या पूर्व दिशा में रखी गई है, तो भगवान की मूर्ति के नीचे हरे या फिर नीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। हम सभी भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद उन्हें माला पहनाते हैं। अगर आप भी भगवान की मूर्ति पर माला पहना रहे हैं, तो लाल रंग की माला पहनाएं, गुलाब की माला पहनाएं। घर के मंदिर में अकेले शिवलिंग की मूर्ति कभी नहीं स्थापित करनी चाहिए। आप चाहे तो शिव परिवार की मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद उन्हें कुमकुम या चंदन का टीका जरूर लगाएं। आप घर में भगवान की पत्थर की या धातु की किसी भी प्रकार की मूर्ति रख सकते हैं। घर के बेड में किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर आप फिर भी घर के बेडरूम में भगवान की मूर्ति रखना चाहते हैं, तो राधा कृष्ण की झूला झूलती हुई मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। गणेश भगवान की तीन मूर्तियां घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर के मंदिर में या घर में 3 इंच से अधिक आकार वाली भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर आप घर में या मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति रख रहे हैं, तो 3 इंच से कम लंबाई वाली, जैसे कि मान लीजिए अपने अंगूठे से कम लंबाई वाली मूर्ति रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज पूरी कर दें।